सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिनों बाद। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाता। बहुत ही क्वेरीज आ रहे हैं लोगों का, तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो बोल सकते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा चेक पे भी आई थिंक 4-5 महीने हो गया, और जो कोर्स है उसमें भी मेरा 2 महीने, हाँ 2 महीने हो गया। तो मैं आज इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ कि कौन सा बेटर है, किस में क्या खासियत है, किस में क्या कमी है। तो ये वीडियो ऑल अबाउट, तो मैंने अपना जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसमें दोनों टैब खोल के रखा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ पैसे की, जो कि सभी लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देता है। तो जैसे कि पता है कि आपको चेक में आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलता है 97 रुपीज़, लेकिन कुर्सी रुपये ऐसा नहीं है। कुर्सी रुपये आपका जो मिनिमम है, मिनिमम मिलता है आपका 3 डॉलर। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मिनिमम 3 डॉलर, 3 3 3 3 3 3, हाँ मिनिमम। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है तो आपको 4 डॉलर, 5 डॉलर, 6 डॉलर और वैसे भी 10-15 डॉलर भी मिल जाता है। तो हम अगर देखें कि इस हिसाब से तो कोड जीरो आगे है, क्योंकि आपका जो मेहनत है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन चेक पे ऐसा नहीं है, चेक पे आपको क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो आपका 97 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से चेक थोड़ा पीछे रह गया है। सेकंड जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो कि कोडसिरो में है, वह है मतलब, एक्चुअली अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ट्राई करता हूँ। फिर क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। हाँ सपोज मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ यहाँ पर, तो एक्चुअली मतलब तो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नया क्वेश्चन तो मैं जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के जो अंडर में कमेंट का सेक्शन होता है, ताकि इस क्वेश्चन के बारे में आप स्टूडेंट को पूछ सकते हैं कि आपको, आपका अगर कोई डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आप उस स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। और वो स्टूडेंट अगर ऑनलाइन हो तो विद इन एन आवर और विद इन हाफ एन आवर वो आपको रिप्लाई दे देता है, ताकि आपका क्वेश्चन करने में आसानी हो। लेकिन चेक पे ऐसा नहीं होता है। चेक पे क्या होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाई देता है, तो उसमें कोई कमेंट करने का जगह नहीं होता है। कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कोई क्वेश्चन आ गया चेक पे, उस पर आपका कोई डाउट है कि कितना करना है या और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ऐसा कुछ आप स्टूडेंट को पूछ नहीं सकते, लेकिन आप कोडसिरो पे ऐसा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कोडसिरो मतलब आगे है। और एक बात जो कि मुझे कोडसिरो पे अच्छा नहीं लगता, वो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उनका जो ऑफिशियल्स है वो आपको अननेसेसरी वार्निंग देते हैं। अभी तो मैं ये दिखा नहीं सकता, लेट मी ट्राई टू शो यू। हाँ, तो मुझे आज ये वार्निंग मिला है, दिखा देता हूँ एक मिला है। चलिए तो ये स्क्रीन थोड़ा, हाँ ये देखिए, यू रिसीव्ड ए वार्निंग फॉर प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट आंसर टू ए स्टूडेंट। तो उनके हिसाब से मैंने एक आंसर को इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया था उनके हिसाब से, लेकिन मैं ये व्यू क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ विथ फुल एक्सप्लेनेशन किया था, फिर भी मेरा ये वार्निंग आया है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे रेटिंग भी हेल्पफुल मिला है और आंसर भी पूरा, एक एक ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ दिया हूँ, फिर भी मेरा मतलब वार्निंग आया है। जो कि ये मतलब मेरे साथ नहीं, बहुत ही ट्यूटर के साथ ऐसा हो रहा है कि आप
उन लोगों को अननेसेसरी वार्निंग आ रहा है। लेकिन चेक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कॉमिक्स रिव्यू होता है, वो सबसे मतलब अच्छा होता है, पूरा परफेक्ट। वो मतलब आपको मतलब वार्निंग भी देते हैं तो क्यों देते हैं, उनका एक एक रीज़न होता है, एक प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुर्सी रहे उसमें ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है, वो मतलब अपनी मर्जी से ही वार्निंग दे देते हैं। मेरे साथ नहीं यार, बहुत सारे एडिक्टर साथ ऐसा होता है, 5-6 वार्निंग मिल जाता है। तो इस हिसाब से चेक थोड़ा आगे है, क्योंकि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो अच्छे हैं। और क्या एक पॉइंट डिस्कस करना है? हाँ, और तो मतलब हेल्पफुल रेट जो कि यहाँ पर जो कोर्स रहे उसमें रिसेंट 30 जो आपका हेल्पफुल रेट है तो उसमें से काउंट होता है, और जो चेक पे होता है वो तो पर मंथ आपका चेंज होता रहता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही मेन दो चीज़ के लिए चेक आगे है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा होता है और आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कुर्सियों पे, लेकिन जो कि आप चेक पे नहीं कर सकते हो। और तो कोई पॉइंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, देखता हूँ कुछ याद आता है कि नहीं। हाँ, और एक बात, तो कुर्सियों पे क्या होता है कि अगर आपका अनहेल्पफुल मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक अनहेल्पफुल। हाँ, मुझे यहाँ पर अनहेल्पफुल मिला तो इसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखिए, एक क्वेश्चन था, मैंने पूरा अपने श्योर होकर पूरा आंसर ही दिया था, लेकिन अभी तो इनका कॉपीराइट की वजह से आंसर शो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अनहेल्पफुल मिला। तो ये जो कि ये कुर्सियों में मतलब स्टूडेंट क्या मतलब करते हैं कि आपका आंसर सही है, आपका आप बहुत ही अच्छे से आंसर दियो, फिर भी कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपको डिसलाइक करते हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलता। लेकिन जो चेक है उसमें आपको मतलब सारे क्वेश्चन का मतलब रेट अनहेल्पफुल या हेल्पफुल उनका पैसा मिलता है। तो कोर्स रूम में ये मतलब अच्छे भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो, कि इसका फ़ायदा स्टूडेंट उठा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, हाँ, जो मैंने अभी दिखाया, कि वो मतलब ऐसे ही डिसलाइक कर देते हैं, जो कि मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यही थोड़ा दिक्कत है कोर्स रूम में, और बाकी सब कुछ ठीक ही है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी कोर्स रूम मुझे मतलब थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको मतलब पैसा भी ज़्यादा है। हाँ, तो आप अगर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो, तो इन दोनों पॉइंट के वजह से मुझे कोर्सेरा अभी तक अच्छा लगता है। और तो ठीक है, और बाकी कुछ नहीं, थैंक यू ऑल। अभी तो कुछ और कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहा है, आने से बाद में एक नया वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आपका कौन सा अच्छा लगता है, कोर्सेरा या चेक, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कोर्सेरा में अभी मतलब रिसेंटली कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दे आर रिजेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस। लेकिन चेक पे क्या होता है कि आपको अप्लाई करते चांस मिल जाता है, तो यही एक दिक्कत है कोर्सेरा के साथ। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट बिलो, आई विल श्योरली रिप्लाई।